सो गाइज अभी अभी रिसेंटली मैंने ये पार्सल पिक करा है एंड इसका साइज देख के यार मेरे को कुछ ना कुछ याद आ रहा है, लगता है गोल्ड प्ले बटन आ गया मेरा। मतलब मैंने 10 लाख सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे करे नहीं लेकिन मेरा गोल्ड प्ले बटन आ गया, तो थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को गोल्ड प्ले बटन लेके। नहीं यार मजाक की बात है, ये तो गोल्ड प्ले बटन तो नहीं होगा इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, लेकिन यार ये जो है ना मेरे को आया है, लगता तो है कि कुछ ना कुछ लैपटॉप से रिलेटेड है। तो इसको खोल के देखते हैं यार क्या है, क्या भेजा है एंड सब कुछ लिखा हुआ है हैंडल विथ केयर। तो यार कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बढ़िया सी चीज़ है और देखते हैं यार, बड़ी मस्त सी रैपिंग में है, तो खोलते हैं इसको पहले और देखते हैं इसके अंदर क्या माल मिलता है ज़बरदस्त हमारे को। तो आवाज़ भी इतनी कर रहा है, मैं क्या करूँ। हमने अपना नाइफ तैयार कर लिया है और इसको खोलने का प्रोसीजर अब स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो ओके, और यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ बहुत तगड़ी चीज़ काट रहा हूँ, तो बस नज़र आए एक बार। ओके, तो यार देखो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने शायद उल्टी खोल दी है और ये कुछ इस तरीके से हो गया है एंड तो इसको अब जो है ना उल्टा हो गया, तो अभी मेरे को पता चल गया है क्या, मेरे को पीछे से देखने से पता चल चुका है कि अब ये लैपटॉप है, लेकिन किसका लैपटॉप है ज़रा ये भी देखते हैं क्योंकि इसके पीछे तो मेरे को कुछ दिख नहीं था। और मैं इसको ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। ओके ओके ओके, तो यार देखो ये जो है ना इसके अंदर कुछ इस तरीके से रैप्ड है, और मतलब ये कभी फोड़े हैं आप लोगों ने? यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं अब। यार मतलब बहुत अच्छी तरीके से पैक करा हुआ है इसको, ये बात तो मैं देना चाहूँ। तो यार ये है एक गेमिंग लैपटॉप और ये रहा हमारा गेमिंग लैपटॉप। ओके, बेस्ट कंपनी से जो कि एसस, तो यार एसस वालों ने हमारे को भेजा है एक गेमिंग लैपटॉप और है ये FX504, जहाँ तक मुझे लग रहा है 504 ही है। तो गाइस कुछ इस तरीके का सेटअप है अंदर, खोलने से ओ माय गॉड, और इसको जो है खोल के दिखाते हैं। पहले से पहले एक काम करते हैं, कैमरा एंगल चेंज करते हैं। ओके, तो यार देखो ये है हमारा बढ़िया सा लैपटॉप इसके अंदर अब, और इसको जो रहा इस वाले पार्ट में क्या है। ओके, तो इस वाले पार्ट में चार्जर है एंड लैपटॉप को जरा बाहर निकालते हैं अब। ओके, तो ये रहा लैपटॉप, ये भी उसी वाली रैपिंग में है तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये थोड़े डॉक्यूमेंटेशन हैं, और ये रही इतनी बड़ी इसकी पावर ब्रिक, और जिसके अंदर ओके तो यहाँ पे सी केबल्स है। ओके ठीक है, तो बस यार बॉक्स के अंदर इतना ही है, इतना ही मिलता है बॉक्स के अंदर। इसको रखते हैं अब साइड में, इसको भी ज़रा हैंडल विथ केयर। ओके, शाइनी लुकिंग लैपटॉप बेबी। ओके यार दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। हो तो यार ये है एसस का FX504 लैपटॉप एंड अब इसको ज़रा खोलते हैं। ओ माय गॉड, चल देखो राइट अवे एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, बिल्कुल गेमिंग वाली फीलिंग आ रही है मेरे को कि मतलब मैं बिल्कुल प्रो गेमर बन चुका। मैं पबजी के अंदर सारे चिकन डिनर लूँगा, बटर चिकन हो गया, चिकन तंदूरी और वो सब खाऊँगा मैं तो इसको ज़रा पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई जूस है कि नहीं। तो यार देखो इसके अंदर जो है ये कीबोर्ड है ना, वो भी कितना मस्त है। मतलब इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है जो कि रेड कलर LEDs के साथ आता है, कोर i7 8th generation प्रोसेसर है। ओके, तो यार इसको ना मैं अभी थोड़े 4-5 घंटे यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपको ना इसका एक क्विक रिव्यू दूंगा कि मेरे को कैसा लगा, और मिलते हैं 4-5 घंटों के अंदर। सो गाइस अब वापस आ चुके हैं, मतलब लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं मेरे को इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए। मैंने अपने दोस्त को भी बुला लिया था कि मैंने उससे पूछा भाई, क्योंकि मैं यार इतनी ज़्यादा गेम नहीं खेलता, पबजी नहीं खेलता और वो लाइक फोर्टनाइट हो गई वो सब मैं इतनी ज़्यादा नहीं खेलता, तो मैंने उसको बुलाया भाई तू टेस्ट कर कैसा है लैपटॉप तेरे को कैसा लगता है। तो ओवरऑल यार उसने लास्ट में जब मेरे को बताया तो यार उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। और सबसे बड़ी बात यार इसके अंदर आपको i7 प्रोसेसर मिलता है जो कि 8th generation है, साथ ही आपको 8GB की DDR4 RAM मिल जाती है, 128GB की इंटरनल SSD मिलती है, साइज़ 1 TB के अंदर आपको इंटरनल हार्ड ड्राइव मिलती है जो कि 5200 RPM की है। तो मतलब आप उस पर गेम्स हो गई, वीडियो फाइल्स हो गई, म्यूजिक हो गया या अपनी कोई भी कुछ भी चीज़ें हो गई जो कि आप ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहते अपने SSD के, उसके ऊपर सेव कर सकते हैं। एंड सेकंडली जो आपको सॉफ्टवेयर लाइक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ में है, जैसे Adobe का कोई सॉफ्टवेयर हो गया या फिर आप कोई लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर आप SSD के ऊपर डाल सकते हैं जिससे कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है बिल्कुल ब्लेजिंग फास्ट रहेगी। देन यहाँ पे यार बात आती है फोन का बूटिंग टाइम। यार बूटिंग टाइम की बात करूँ तो यार बहुत ही ज़बरदस्त है,
है, और मैं बोलूँगा कि SSD के अंदर Windows 10 इंस्टॉल आती है, तो उस वजह से जो बूटिंग टाइम है बिल्कुल मैं कह सकता हूँ फैबुलस है। देन यार इस लैपटॉप के अंदर ना सबसे 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 ज़बरदस्त चीज़ जो मेरे को अभी तक लग रही है यार, वो है इसकी डिस्प्ले। मैं कह सकता हूँ यार डिस्प्ले हो तो इसकी जैसी हो, क्योंकि यार इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले। मतलब कि यार आपने देखा होगा, आपको पता होगा, कभी ना कभी आपने टर्म सुनी होगी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो यार मान लीजिए आपको जो बिल्कुल 120 अगर आपकी गेम के अंदर वो कंपैटिबिलिटी, अगर आप गेम उस पर खेल पाते तो उसको शोकेस करेगी, जैसे कि आपकी जो डिस्प्ले बिल्कुल बटरी स्मूथ लगती है। और यार 60 हर्ट्ज़ का पैनल ही बहुत स्मूथ होता है, लेकिन जो 120 हर्ट्ज़ का पैनल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ होता है। अगर आप अपनी ट्रांजिशन देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ रहेंगी, और आप अगर उसको यूज़ करने के बाद अगर अपना फ़ोन यूज़ करोगे ना, तो आपको फ़ोन में ऐसा लगेगा कि आपको फ़ोन लैग कर रहा है, जो कि मेरे साथ सच में खुद एक्सपीरियंस हुआ। मैंने इसको 1-1.5 घंटा जब यूज़ करा ना, मेरे खुद भी लग रहा है मेरा फ़ोन शायद लैग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आँखों का और स्क्रीन का धोखा है। मतलब यार मैं गीक बेंच ट्राई कर रहा था इसके अंदर रन करने का, एंड गीक बेंच यार बहुत जल्दी इसके अंदर उसने स्कोर दे दिया मेरे को, जो कि बहुत इंप्रेसिव स्कोर दिया है। सही से अगर यार आप इसके अंदर CPU जी खोलते हो ना, तो आपको इसके अंदर क्लॉक स्पीड एंड वो सब देखने को मिल जाता है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो i7 8th generation प्रोसेसर है, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो यार मैं बोलूँगा ओवरऑल जो ये लैपटॉप है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी की देखो बात करी ना, देखो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, मतलब यार देखो ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पतला है बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन ठीक है। देखो बिल्ड क्वालिटी ऊपर की कुछ इस तरीके से मिलती है, बढ़िया सी फिनिश है यहाँ पे। और अगर आप इसे खोलते हैं तो यहाँ पे मतलब लाइट सी जल जाती है, अभी दिखेगी नहीं क्योंकि ये स्टूडियो लाइट में है। साइज से यहाँ पे जो आपके फैन ब्लो करते हैं गरम गरम हवा, तो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा यार बिल्ड क्वालिटी ना इसकी प्लास्टिक की है, लेकिन यार आप लोग ये मान के चलो गेमिंग लैपटॉप हमेशा प्लास्टिक के ही रहते हैं, क्योंकि यार उनके अंदर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और जो ग्राफिक्स कार्ड होता है डेडिकेटेड वो जो हो गया, वो बहुत छोटी चैसी के अंदर नहीं आ सकता, तो उसके लिए हमारे को चैसी जो है बड़ी करनी पड़ती है, और वो ASUS ने इसके अंदर करके दिखाया। साइज जो पोर्ट्स हैं यार पोर्ट्स सारे मिलते हैं, HDMI हो गया, ईथरनेट हो गया, USB पोर्ट्स हो गए, 3.5 mm हेडफोन जैक हो गया, चार्जिंग पोर्ट हो गया। सही से यार मैं बोलूँगा ठीक है, ऑल ओवर बहुत बेस्ट है। तो बस यार मैंने इस वीडियो को एंड करते हुए यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई लैपटॉप लेना चाहते हो जो कि एक तरीके से गेमिंग लेवल का भी हो और सही साथ आपकी एडिटिंग लेवल का भी हो, तो आप लोग इसे पिक कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट बाइंग लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 70,000 से स्टार्ट है ये, और अगर आप इसका हायर वेरियंट लेंगे तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टोरेज के साथ और कौन से वेरियंट को लेते हैं। तो 70,000 से आप लोग इसको लाइक बेस मॉडल का खरीद सकते हैं, तो ये भी बात बढ़िया है। बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको उसका एक डेडिकेटेड फुल ऑन रिव्यू चाहिए, जिसके अंदर मैं इसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि यार ये ना लैपटॉप आज ही आया, तो इसलिए जो है इसका इनिशियल रिव्यू है, ये कोई मैं फुल ऑन रिव्यू नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इसका डेप्थ रिव्यू चाहिए ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका फुल एंड डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा। देखते हैं यार कैसा लगता है आपको वाला रिव्यू। बाकी अगर वीडियो पसंद नहीं होगी यार वाली, इस वीडियो को दो एक लैपटॉप नहीं इस वीडियो को दो एक लाइक, एंड मिलता हूं आपसे यार ऐसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।